नमस्ते बंधुओं, दोस्तों, आज मैं आपको शलगम के खाने के फायदे बताने जा रहा हूँ। देखिए, शलजम देखने से एक यूट्रस के आकार का होता है, यानी माता बहनाओं के यूट्रस के गर्भाशय के आकार का शलजम होता है। देखिए, ये इस तरह। तो माताएं बहनाएं प्रतिदिन एक शलजम कच्चा खाएं तो यूट्रस की रसौली, ट्यूमर, कोई रोग नहीं होगा। और शलजम जाड़े के दिनों में पैदा होती है। इसका साग बहुत अच्छा बनता है। शलजम में कैल्शियम भरपूर होता है। देखिए, देखने से सफ़ेद अंदर है तो कैल्शियम बहुत होता है, तो हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और दोस्तों, शलजम खाने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। अगर किसी भाई को बार बार दस्त आते हों तो कच्चा शलजम खाया करें तो पेट सही हो जाता है। शलजम में विटामिन ए, बी और सी होता है, जिससे दांत मसूड़े मजबूत होते हैं। और दोस्तों, शलजम में कॉपर, आयरन, कैल्शियम होता है। और फटी एड़ी पर शलजम मलने से एड़ी सही हो जाती हैं। शलजम एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो खांसी के रोगी हैं, दमा के रोगी हैं, श्वास के रोगी हैं, वो शलजम और पालक और मेथी की सब्जी खाएं तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाती है। और शलजम खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, शुगर वाले प्रतिदिन सलाद में शलजम खाएं तो उनको इंसुलिन बनने लगता है। और दोस्तों, शलजम खाने से मस्तिष्क रोग में बहुत लाभ मिलता है। नींद गहरी आती है, और जिनके पैरों में सूजन रहती हो तो शलजम को गर्म पानी में उबाल कर पैर रखने से सूजन ठीक हो जाती है। शलजम और मूली खाने से पेशाब साफ आता है और गुर्दे की पथरी गलकर निकल जाती है। और दोस्तों, शलजम में पोटेशियम बहुत होता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, और शलजम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और दोस्तों, शलजम खाने से नर्वस सिस्टम ठीक होता है। और जिनको कमर में दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द रहता हो, वो शलजम, आलू की सब्जी खाने से विशेष लाभ होता है। आँखों के रोग में शलजम खाने से लाभ मिलता है। शलजम खाने से खून भी साफ होता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और प्रतिदिन मूली, गाजर, शलजम की सलाद खाएं तो कब्ज नहीं रहती। और दोस्तों, हमारे शरीर के लिए शलजम का जो कलर है वो हृदय के कलर का है, तो शलजम खाएंगे तो हार्ट अटैक का रोग नहीं होगा। तो दोस्तों, हमको तला भुना न खा करके कच्ची सलाद खाना चाहिए, और शलजम को भी बिना केमिकल के अगर पैदा किया जाए तो विशेष लाभ होता है। इसमें जैविक खाद डाली जाए, वर्मी कंपोस्ट डाला जाए और गोबर की खाद डाली जाए तो ये खाने में स्वाद भी बढ़ेगा। रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों, आज हम
इसलिए और अधिक बीमार हैं, क्योंकि सब्जियों में पेप्टिसाइड अधिक डाला जाता है, रासायनिक खादें अधिक डाली जाती हैं। तो हमारा किसान बंधुओं से भी अनुरोध है कि वो दूसरे का भला करें। तो मैं जयपाल सिंह आर्य, एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सक, मेरा मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। जय हिंद, जय भारत।